हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ सिंघाड़े की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए मैंने उबला हुआ सिंघाड़ा छील करके ले लिया है और दो टमाटर, एक शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और एक प्याज लिया है। ये है सिंघाड़ा जिसे मैंने छील करके लिया है। अब हम मिक्सी जार में टमाटर को पीस लेते हैं डाल करके। फिर हम इसको पीसने के बाद हरी मिर्च, प्याज और लहसुन को भी पीस लेते हैं। ये दोनों पीस चुके हैं और शिमला मिर्च को मिक्सी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे तेल। शिमला मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे। इसमें फ्राई हो चुका है शिमला मिर्च निकाल लेते हैं। उसके बाद में कढ़ाई गरम है, उसी में तेल बचा हुआ है जो हम उसमें जीरा डाल देते हैं एक चम्मच। जीरा डालने के बाद जो पिसा हुआ प्याज, हरी मिर्च, लहसुन था उसको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। इसको हम एक मिनट के लिए पहले भून लेंगे, प्याज को ढक करके कुछ देर तक पकाएंगे। फिर हम इसको खोल के चेक करेंगे। देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर जो है उसको भी डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार और फिर इसे ढक करके इसको भी एक मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। अब ये देखिए टमाटर भी लगभग पक चुका है। इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद सारे मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर कुछ देर तक ऐसे हम भून लेंगे। इसे ढक करके भी एक मिनट तक पका लेंगे ताकि मसाला कच्चा ना रह जाए। सिंघाड़े की सब्ज़ी बहुत टेस्टफुल बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। हम इसमें जो हमने शिमला मिर्च को फ्राई किया था उसको भी डाल देते हैं। ये देखिए अब मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं जो सिंघाड़ा हमने छील करके लिया था, दो टुकड़ों में काट करके उसे डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ढक करके पका लेते हैं ताकि मसाला जो है वो सिंघाड़ा में भिन जाए अच्छे से। अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद मैंने इसे मिक्स किया। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं एक कटोरी पानी और डाल देती हूँ। मैंने पानी और डाला और फिर इसके बाद में इसे मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। ढक करके इसे हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम खोल के चेक करेंगे कि सब्ज़ी देखो कितनी अच्छे से पक चुकी है, बहुत अच्छा से ये गाढ़ी भी हो गई सब्ज़ी। और इसमें हम डाल देते हैं हरे धनिया की पत्ती और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी अब देख सकते हैं रेडी है। हम इसे रख देते हैं थोड़ी देर और ढक करके और फिर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाउल में। सब्ज़ी का कलर और टेक्सचर देख करके आपको लग रहा है ना कि बहुत ही टेस्टी बना होगा और ये बना भी बहुत टेस्टी था। इसे हमारे फैमिली में सबको पसंद आया सिंघाड़े की सब्ज़ी। आप भी बनाइए और ज़रूर बताइए कि सब्ज़ी कैसा बना था।